हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूक्रेन देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इसके इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1991 में जब सोवियत संघ टूटने लगा तो इससे 15 देश बने थे। उनमें से एक देश है यूक्रेन, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इस देश का दुनिया के भूगोल में अलग ही स्थान है, जो उसे कई देशों से अलग बनाता है, जैसे कि वेशभूषा, संस्कृति, रहन सहन, भाषा, व्यवसाय इत्यादि बातें। तो आइए जानते हैं यूक्रेन देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बन गया था और उसने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 603,628 स्क्वायर किलोमीटर है। यह यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित है। कीव शहर यूक्रेन देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, वह इसके साथ ही यह देश की आर्थिकता, राजनीतिकता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी है। कीव शहर की स्थापना 1600 साल पहले की गई थी। यूक्रेन देश की सीमाएँ स्लोवाकिया, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया, पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, मालडोवा, दक्षिण में काला सागर और अजोब सागर से मिलती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर की नाजी सेनाओं से बचने के लिए लाखों यहूदियों ने यूक्रेन में शरण ली थी, परंतु नाजी सेना ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत सारे यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। 1986 में यूक्रेन में सबसे भयंकर परमाणु संयंत्र दुर्घटना चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रेवनिया है और आधिकारिक भाषा यूक्रेनियाई है। यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में 8वें स्थान पर है। यूक्रेन की जनसंख्या 1990 में 5,14,00,000 थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 4 करोड़ ही रह गई है, जिसकी वजह है जन्मदर में कमी व लोगों का दूसरे देशों में पलायन करना। दुनिया का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन यूक्रेन का आर्सेनलना मेट्रो स्टेशन है, जो कि समुद्र तल से 105 मीटर गहरा है। और यूक्रेन के शहर कीव में दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे भारी विमान बनाया गया है, जिसका नाम AN-225 मारिया रखा गया था, जिसे एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया था। 2007 में यूक्रेन के शेयर बाज़ार में 130% की वृद्धि हुई थी, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि थी। यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी रस्म यह है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग शादी की अंगूठी बाएं हाथ में पहनते हैं, परंतु यूक्रेन में शादी की अंगूठी को दाएं हाथ में पहना जाता है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई अन्य देशों जैसे कि अमेरिका व भारत से सस्ती है। अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई 8 करोड़, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन में 44 करोड़ तथा भारत में 1 करोड़ में होती है, लेकिन यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई मात्र 25 लाख भारतीय रुपये में ही हो जाती है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। अब हम यूक्रेन के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं। तो मैं इन दिवसों को एक एक कर आप लोगों को बताता जाऊँगा और उन दिवसों पर कौन कौन सी घटनाएँ घटित हुई थी इसे भी बताता जाऊँगा। तो ये दिवस हैं 7 मई 1927 को रूस की महारानी ने यहूदियों को यूक्रेन से बाहर करने का आदेश दिया था। 22 जनवरी 1918 को यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक बोल्शेविक ने रूस में स्वतंत्रता की घोषणा की। 21 सितंबर 1942 को नाजी सेनाओं द्वारा यहूदियों की हत्या की गई थी। 1986 में यूक्रेन में सबसे भयंकर परमाणु संयंत्र दुर्घटना चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। 16 जुलाई 1991 में यूक्रेन में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कंटेंट की कमी होने के कारण मैं आज का यह वीडियो इतना ही रहने देता हूं। फ्यूचर में मैं यूक्रेन देश के बारे में और भी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है और ये कहाँ स्थित है, इसका नाम क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।